Assalamualaikum student, how are you all? Hope you are all fine. I am Sania Amir from the First Girls High Secondary School. Today I am going to deliver 5th class lecture. So student, let's start our lecture. Unit 1, Numbers and Arithmetic Operation. So student, let's start our lecture, exercise 1A. The first question is page number 3, fill in the blanks. The first fill in blank is, in the international system 1 million is a dash digit number. So student, from the right side, the first place is ones, second is tens, third one is 100. So student, first is ones, tens, 100. 100, tens, ones, इनको हम क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास थाउजेंड प्लेस. थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड. तो ये कौन सी प्लेस होती है? थाउजेंड प्लेस. नेक्स्ट आता है मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन और देन बिलियन. ठीक है, फर्स्ट वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन एंड बिलियन. सो फिर इन ब्लैंक्स में क्या पूछा गया है? द इंटरनेशनल सिस्टम 1 बिलियन इज डैश डिजिट नंबर. सो 1 मिलियन में कितने डिजिट नंबर होते हैं? 7. 1 मिलियन में 6 ज़ीरो होते हैं और 7 डिजिट होते हैं. ओके, नेक्स्ट फिर इन द ब्लैंक क्या है हमारे पास? द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन डैश. ये देखें, सर्कल किया हुआ है, प्लेस वैल्यू 5. आप देखें, ये देखें, ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, आपने इसकी वैल्यू लिखनी है. ठीक है, अब इधर से हम काउंट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, देन मिलियन. ये आपको इंटरनेशनल फॉर्म में आपको नंबर गिवन है. ओके स्टूडेंट, तो इसके कितने हैं? ये 5 लिख देने हैं. उसके बाद कितने मिलियन है? ये 5 मिलियन है. दोबारा आप मेरे साथ रीड करें, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियन. सो हमने क्या लिख दिया? 5 मिलियन. नेक्स्ट देखें, कंप्लीट द सीक्वेंस. आपने क्या करना है? सीक्वेंस को कंप्लीट करना है. अब ये इधर क्या दिया गया है? 35 मिलियन, 30,186. नेक्स्ट नंबर है 35 मिलियन, 30,286. अब ये देखें, 35 मिलियन, 30,000. अब इधर है 186. नेक्स्ट में है सीक्वेंस 286, तो देन क्या आएगा? 386. 35 मिलियन एंड 30,000 एज इट इज़ आएगा. इसी तरह नेक्स्ट देखें, 35 मिलियन, 30,486. नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, द नंबर 50,000 मोर देन 261,800, 2,61,000, 800, 35,000 एंड 500. इसमें अगर आप 50,000 ऐड करेंगे, ठीक है, ये आपने खुद इस वैल्यू को लिखना है और 50,000 नीचे लिख के इसको इस तरह ऐड कर लेना है. मैं आपको एक बता देती हूँ कि किस तरह आपने ऐड करना है. ऐड आप खुद करेंगे क्योंकि प्रीवियस क्लास में आप एडिशन का टॉपिक अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं. तो आई होप सो कि आप अच्छे से इसको एडिशन कर लेंगे. अब इसमें आपने कितना थाउजेंड ऐड करना है? 50,000. 50,000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 4 ज़ीरो होते हैं. ठीक है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 500, 588,162. तो इसका आंसर क्या आ गया? 261,885,500. और स्टूडेंट, आपने ये याद रखना है कि हर 3 वर्ड के बाद आपकी स्पेस होगी. ठीक है, इंटरनेशनल फॉर्म में या तो आप कोमा लगाते हैं या आप स्पेस रखते हैं. ठीक है, तो इसमें हमने कोमा यूज़ नहीं करना. आप लोगों ने क्या करना है कि हर 3 डिजिट्स के बाद, यानी 1, 2, 3 के बाद स्पेस मस्ट आपने रखनी है, देन नेक्स्ट डिजिट लिखना है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें, और जहाँ कहा गया मोर देन, तो इट्स मीन आपने उस नंबर को जो नंबर गिवन दिया गया है उसमें ऐड करेंगे. नेक्स्ट देखें, ई पार द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज द इन द नंबर 981,314,110.
और 9 स्टैंड फॉर यानी 9 की आपने वैल्यू लिखनी है। अब 900 ये कितने मिलियन है आप देखिए, अभी मैंने आपको 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, देन 100 मिलियन, तो ये क्या होगा 900 मिलियन। क्या होगा ये स्टूडेंट? 900 मिलियन। तो हमने इधर क्या लिख दिया? 900 मिलियन। ये पेज नंबर 3 है और एक्सरसाइज है हमारी 1A। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एज पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ये नंबर गिवन दिया गया है, इज रिटन एज इंटरनेशनल फॉर्म, इसको इंटरनेशनल फॉर्म में लिखना है। इंटरनेशनल फॉर्म का ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि हर 3 डिजिट के बाद स्पेस होती है, तो उन्होंने इस तरह लिख दिया है, इट्स मीन ये ट्रू है। नेक्स्ट दिया नंबर 200 लेस देन, अब 200 लेस देन इट्स मीन आपने ये जो नंबर गिवन दिया गया है इसमें से 200 माइनस करने हैं। अगर तो आंसर ये आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फॉल्स है, तो ये आंसर ये नहीं आएगा, तो ये क्या है? फॉल्स है। द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज़ अ 10 मिलियन, तो 9 डिजिट नंबर क्या 10 मिलियन है? नो, 10 मिलियन में आपके 9 डिजिट नहीं होते। ओके स्टूडेंट, उसमें आपके होते हैं 8 डिजिट होते हैं, तो ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट 78, 193। अब 1 की वैल्यू आपने बतानी है, इज अ 100 प्लेस 100,000, यस ये ठीक है। नेक्स्ट देखें, इन द नेशनल सिस्टम, इन द इंटरनेशनल सिस्टम ये क्वेश्चन दिया गया है, एज अ रिटन एज क्या हम इस तरह, अब देखिए 3 वर्ड के बाद हमने स्पेस रखने हैं, इन्होंने फर्स्ट 3 के बाद लिखी है, अब लेकिन नेक्स्ट जो नंबर लिखा है उन्होंने 4 के बाद स्पेस दे दिया, तो ये क्या है? रॉन्ग होगा, क्योंकि इंटरनेशनल वे में हमेशा आपने याद रखना है 3 डिजिट के बाद स्पेस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन 3,730,205 इन द फिगर एज, के उसको हमने नंबर्स में किस तरह लिखेंगे, तो वो हमने लिखना है। अब 3,735,205, तो ये क्या है? जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, ठीक है, 3 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इन द इंटरनेशनल वैल्यू प्लेस TM, अब चार्ट में TM स्टैंड फॉर क्या होता है? 10 मिलियन। ओके स्टूडेंट, TM स्टैंड फॉर 10 मिलियन। ओके 200, नेक्स्ट देखें सी पार्ट, 200 मिलियन इज अ डैश 7 डिजिट नंबर 8 डिजिट नंबर या 9 डिजिट नंबर, तो क्या होगा? 9 डिजिट नंबर। ओके नेक्स्ट देखें पेज नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर मैचेस विद द एक्सपेंडेड फॉर्म, आपने क्या करना है, जो एक्सपेंड फॉर्म में दिया गया है इसका आपने नंबर लिखना है। अब ये देखें ये कितने 6 के साथ कितने ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो हैं, इट्स मीन कि 6 के बाद हमारी कितनी डिजिट्स आने चाहिए? 6 आने चाहिए। अब ये देखें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 6, तो इट्स मीन ये आपने ये देख लेना है कि ये पहले 6 आएगा, देन जीरोस के साथ आएगा, देन 56,725। ओके स्टूडेंट, यानी 6,056,725। और अगर आपका आंसर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही, तो आपने डिजिट काउंट करने लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इधर भी आपके कितने डिजिट आने चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये देख लें 5 भी आ गया है, 20 का 2, 700 का 7, 100 प्लेस पे ये 56,000 प्लेस है, और देन आपने इधर एक ज़ीरो ऐड करना है 100 प्लेस पे, क्योंकि इधर हम 100,000 प्लेस नहीं दी गई, और देन मिलियन आता है, तो इन्होंने क्या कर दिया? मिलियन हमने 100,000 प्लेस की जगह हमने ज़ीरो ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखें, नंबर गिवन दिया गया है रिटर्न इन इंटरनेशनल सिस्टम, आपको मैंने पहले बता दिया इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद स्पेस देते हैं, तो आपने देख लेना है 3 डिजिट के बाद जिसने स्पेस दी, जिस ऑप्शन में स्पेस है तो वो आपका करेक्ट होगा, तो इट्स मीन आपका ये वाला करेक्ट होगा, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, जितना मैंने करवाया है आपने जो प्लेसेस हैं वो एक दफ़ा मैं फिर रिवाइज करवा देती हूँ, वो आपने अच्छे से लर्न करनी है। अब प्लेस कौन कौन सी होती है, पहले क्या आती है? यूनिट्स या वंस, यूनिट भी कह सकते हैं इसको, वन भी कह सकते हैं। उसके बाद 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000, then 1,000,000। ओके स्टूडेंट, 3 डिजिट्स के बाद आपने स्पेस रखनी है, देन नेक्स्ट डिजिट लिखनी है, देन 3, 3 एंड अप टू सो ऑन। ओके, सी यू एंड अल्लाह हाफिज़।